रोजगार मान के सब चौपट कर देलन आके बुनकर एकदम परेशान हन। बुनकरन के जो की भुखमरी आ गल एक कानून बनौले जात बान वही जो की परेशान कैले बान हमन के। अरे जनता के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय तो सबके साथ हो रहा है। महंगाई पर कोई ठिकाना नहीं, सड़क और रोड लाइन दिखाता है, यह कुल न दिखाता है मने की। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया है इनके राज्य में प्रधानमंत्री जी के। किसानों को जो है मुआवजा सही रोड का नहीं मिल रहा है, अभी अभी खाद बीज उर्वरक जो है महंगा मिल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हम हैं और जनसा चौराहा ये है और यहाँ पर राहुल गांधी गुजरने वाले हैं। जनता उनका यहाँ पर बड़ी संख्या में उत्साह के साथ इंतजार कर रही है। अन्याय क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। उत्तर प्रदेश की जनता से ही जानते हैं और उनको जवाब देते हैं जो लोग पूछते हैं कि आखिर किसके लिए ये न्याय यात्रा है, किसके किसके साथ अन्याय हो रहा है। अरे जनता के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय तो सबके साथ हो रहा है। महंगाई पर कोई ठिकाना नहीं, सड़क और रोड लाइन दिखाता है, यह कुल न दिखाता है मने की। किसान तो और जो सबसे दलदल में है, किसानों पर तो खाली कर रहे कर नहीं रहे हैं। वादाएं तो बहुत होता है लेकिन एक को पूरा नहीं होता है, तो इसीलिए अब सरकार तो सब कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ गया है इनके राज्य में प्रधानमंत्री जी के। और किसानों को जो है मुआवजा सही रोड का नहीं मिल रहा है अभी अभी हाँ, और किसानों को खाद बीज उर्वरक जो है महंगा मिल रहा है, जिससे ये अनेक कठिनाइयां हैं। रोजगार मान के सब चौपट कर देलन आके बुनकर एकदम परेशान हन। बुनकरन के जो की भुखमरी आ गल बिजली का बिल इतना हाई हो जाता कि हम लोग बिजली के बिल नहीं भर पावत है। पर ध्यान न देता गंगा माई बोलावा था इन्होंने। जब से मोदी सरकार आई हुई है तब से हम लोग परेशान है। बताइए क्या किसी गरीब से आप पूछिए कि इस देश में कितना न्याय हो रहा है। किसी गरीब के घर जाइए 2014 से 2024 तक यदि आप देख लेंगी तो आप चाहे गैस उठा के देख लीजिए, चाहे महंगाई देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी देख लीजिए, सब जुमला है, केवल सब पेपर पे है। ये जो सड़क बन रहा है भदोही जा रही है कल्टी फार्म से, आप किसानों से पूछ लीजिए या जो लोग हैं सड़क पे बस उनसे पूछ लीजिए कितना मुआवजा मिल रहा है। 2012 का लगाया हुआ मुआवजा वो अभी तक मिल रहा है और उसके बाद अधिकारी इनके अधिकारी ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि यदि आप बोलेंगे तो डंडा खाएंगे। अच्छा, रास्ते में मैं आ रही थी, देखा मैंने घर टूट रहा है। 75 फीट ले रहे हैं, 50 फीट करके 75 फीट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? 50 फीट के 75 ले रहे हैं, मुआवजा कैसे दे रहे हैं? क्या नकल 50 फीट का दे रहे हैं? बेरोजगारी इनके सरकार में बहुत है, जब से सरकार आई है महंगाई एकदम सर पर चढ़ के बोल रहा है। बनारस साड़ी पर निर्भर है और यहाँ साड़ी का धंधा नहीं चला था, हर आदमी एकदम परेशान हो, रोजी रोजगार हमान का चौपट हो चुका था। क्यों नहीं चल रहा है साड़ी का धंधा? अरे आगे मार्केटिंग नहीं होता बता रहा, एक कानून बनौले जात बान वही में जो ना की परेशान के लिए बान हमान के। संसदीय क्षेत्र में बनारसी साड़ी जो की बनारस की मशहूर साड़ी है, जो की हर देशों विदेश में जाना जाता है बनारसी साड़ी, लेकिन बनारस संसदीय क्षेत्र माननीय मोदी जी जब से आए तब से बनारसी साड़ी पूरा लूट होती जा रही। इस पे प्रधानमंत्री जी का एक तरह फोकस भी नहीं है, कुछ भी फोकस नहीं कर रहे इस पे और हर चीज पे बोले कि बनारसी साड़ी पे किसी प्रकार की फोकस नहीं, जो कि आज जो बुनकर काम करने वाले वो लोग लेबर मजदूरी करने उतर आए हैं, किसी प्रकार कोई बनारसी साड़ी का डिमांड नहीं हो पा रहा आगे से। वैकेंसी आती है जरूर लेकिन भर्ती हो नहीं पाती है, रुकावट हो जाती है, कोर्ट में चले जाती है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बेरोजगारी पड़ा हुआ है इस समय हमारे यहाँ। आप सुन रहे होंगे ये जनता की आवाज़ है, इसको तो कम से कम आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि स्थिति क्या है। ये वो क्षेत्र है, वो इलाका है जहां पर ये कह कर आए थे प्रधानमंत्री कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। कितना इंसाफ हुआ है यहाँ पर यहाँ के लोगों के साथ ये आप देख सकते हैं। और ये जो अन्याय हो रहा है इसी अन्याय के खिलाफ मैं उनको कहना चाहूंगी, जो लोग अक्सर पूछते हैं ना कि राहुल गांधी किसके लिए यात्रा कर रहे हैं, किसके साथ अन्याय हो रहा है, तो देखिए मेरे पीछे आपको ये भीड़ नजर आ रही है, ये जो लोग नजर आ रहे हैं जो बोल रहे हैं इसको सुनिए और समझिए कि ये वो लोग हैं। गरीब तबका हो, यहाँ पर किसान हो, इसके अलावा महिलाएं हो, खास तौर पर युवा हो, सबसे ज्यादा उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसी अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी पदयात्रा करके उनको यह आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि जब केंद्र में और राज्य में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके साथ न्याय होगा, उनको इंसाफ मिलेगा और न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। न्याय का हक मिलने तक।